सर फोड़ा आज कल परसों फूटता गया। एकमात्र ऐसी सरकार है 7 साल में 70 महकमों को बेच खाया जिसने, 9 महीने में 900 किसान साथियों को पिटवाया जिसने, और एक किसान साथी की पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिए एक किसान साथी को। तो आप कितनी चीजें गिनवाओगे इनके बारे में, कितना कुछ कर साथियों। राम राम, मैं रिमन आप सबके साथ एक बार फिर आई हूँ। भाई करनाल का जो मुद्दा निपटा है, उस मुद्दे के अंदर कुछ मांगे जो है वो किसानों की, जैसे 25 लाख रुपए देने की बात हो या फिर परिवार में 2 नौकरियां देने की बात हो, अगर कहीं न कहीं चूक हुई है तो वो है SDM को बर्खास्त नहीं किया गया। आपको कानून आज दिखता है कि कानूनी दायरे में रह करके एक पहले मतलब इसको एक कोर्ट के अंदर ये मामला जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो आप संविधान आज खड़ा दिख गया, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट आपको आज खड़ी दिख गई, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, आपको वो चीज़ें नहीं दिखी कि जहाँ भी किसान कुछ कानूनों से संतुष्ट नहीं है और वो कानून उनके लिए नहीं, उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, उनको आप रद्द नहीं कर रहे। सर फोड़ा आज कल परसों फूटता गया। एकमात्र ऐसी सरकार है 7 साल में 70 महकमों को बेच खाया जिसने, 9 महीने में 900 किसान साथियों को पिटवाया जिसने, और एक किसान साथी की पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिए एक किसान साथी को। तो आप कितनी चीज़ें गिनवाओगे इनके बारे में, कितना कुछ करोगे। 7 साल में 70 महकमे यदि किसी भी सरकार के चलते धरने पर बैठे हैं तो वो BJP सरकार है, RSS की सरकार है। पीछे यदि हम कंक्लूड करके देखें तो इस सरकार का एक ही मकसद रहा है, और जब तक हम इस मकसद को नहीं पहचानते हैं तब तक हमें सफलता कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सरकार हमेशा से ही, आज से नहीं जब से आई है तब से ही, अधिकारियों के द्वारा महकमों पर नियंत्रण करवाना चाहती है, उनका निजीकरण करवाना चाहती है, उनको प्राइवेट करवाना चाहती है। चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, मॉडल संस्कृति जैसी नीतियां ला करके उन्होंने, चाहे मैं DED जैसे कोर्स की बात करूं, बंद कर दिया गया है, जहां एक अध्यापक बच्चों को पहले से 5वीं तक, वो कहते हैं ना कि एक बच्चे में बच्चा बन करके पढ़ाता था, उस कोर्स तक को बंद कर दिया गया है। 12वीं के बाद सीधी 4 तारीख की, मतलब एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ भी हमें बोलना चाहिए था। वो दूसरी बात है कि जब हमने आवाज़ उठाई तब हमें पीड़ा थी सिर्फ इस एजुकेशन पॉलिसी के चेंज होने की। जब किसानों के लिए कानून आए तो किसानों को पीड़ा हुई कि कानून आए तो इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। मतलब छोटा सा मेरा कहने का यही है कि नंबर आएगा, एक एक का आएगा, लेकिन जब तक हम चुप रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सरकार हमारे साथ यूं ही नाइंसाफियां करवाती रहेगी, ये सरकार हमारे ऊपर यूं ही चीजें थोपती रहेगी, और यकीनन जिस दिन हम आवाज उठाएंगे तो हमारे सर फोड़ेगी। आज भी वक्त है, और लग जाओ जितना आपसे हो सके, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, ताकि हम इस देश के अंदर, इस देश की आजादी को हम आजाद महसूस कर सकें, हम खुली हवा में सांस ले सकें और लोगों को कह सकें कि हाँ भाई, हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेगा। जय हिंद।